आज मेरे लाइव सेशन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स कैसे विकसित हुए, कैसे विकसित हो रहे हैं, और आज की चर्चा में चार डिसिप्लिन्स के इर्द गिर्द केंद्रित रखूंगा। भाषा, जिसमें अंग्रेजी का उदाहरण दूंगा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, कि इन डिसिप्लिन्स का अभ्युदय, इनका विकास कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि हमें अपनी चर्चा की प्रारंभ अंग्रेजी से करना चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश, एक्चुअली दिस ट्रेजेक्ट्री हैज बीन फॉलोड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन वेस्ट इट इज इंग्लिश, इन इंडिया इट इज हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज, इन अदर कंट्रीज देयर ओन लैंग्वेज, बट एवरी लैंग्वेज हैज इट्स रूट्स। हर भाषा की अपनी जड़ें होती हैं और उन जड़ों से ही वह भाषा विकसित होती है। अगर हम अंग्रेजी के अभ्युदय और विकास की बात करें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर इंग्लैंड में नहीं जन्मी। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर अपने रूट्स लैटिन में नहीं रखती है। हमसे बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हैं कि जैसे हिंदी की जड़ें या मलयालम की जड़ें या कन्नड़ा की जड़ें संस्कृत में हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी की जड़ें शायद लैटिन में होंगी, पर ऐसा है नहीं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को देखें तो ये पाया गया है कि जो बेस्ट जर्मनी के इंडो यूरोपियन लोग थे, वास्तव में अंग्रेजी उनके परिवार की भाषा थी, उनकी बोलचाल की भाषा प्रारंभ में अंग्रेजी थी। कहां के? जर्मनी के। आज जर्मनी की भाषा जर्मन है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी के पूरे इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी, प्राचीन आंग्ल भाषा ओल्ड इंग्लिश, मध्यकालीन आंग्ल भाषा मिडिल इंग्लिश, और आधुनिक आंग्ल भाषा मॉडर्न इंग्लिश। हम थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा करते हैं। ओल्ड इंग्लिश का काल माना जाता है 450 एडी टू 1100 एडी। एडी मतलब आफ्टर डेथ, यूं कहें कि 450 ईस्वी। तो अंग्रेजी बहुत पुरानी भाषा नहीं है। उस तरह से हम देखें तो हम लोग लगभग 2020 की सदी में जी रहे हैं, तो अंग्रेजी कुल 1500-1600 साल पुरानी कुल मिलाकर के भाषा है, और जो अंग्रेजी हम पढ़ते हैं ये तो 300-400 साल पुरानी है। इससे बहुत पुरानी भाषा अंग्रेजी है नहीं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लोग जिसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, ये माना जाता है वो बेसिकली जो एक जर्मन में ट्राइब्स थी, जर्मनी में कुछ जनजातियां थी जिन्हें सैक्सन, एंजल्स और ज्यूट्स कहते थे, वो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से ब्रिटिश आइसल्स की तरफ आई और स्कॉटलैंड में सेटल हो गई। तो ये जर्मन की जनजातियां जब ब्रिटेन की तरफ आईं और स्कॉटलैंड में सेटल हुईं, तब इनके अपने अलग अलग डायलेक्ट्स थे। सैक्सन्स के अपने डायलेक्ट्स थे, एंजल्स के अपने डायलेक्ट्स थे, ज्यूट्स के अपने डायलेक्ट्स थे, जैसे हमारे यहां भी होता है। हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा की बोलियां डायलेक्ट्स अलग अलग हैं। अवधी में अलग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी वाले अलग हिंदी बोलते हैं, मगधी वाले अलग हिंदी बोलते हैं, और उनकी अपनी भाषाओं की अपनी विशेषताएं भी हैं। तो इसी तरह से जब जर्मन ट्राइब्स जो इंग्लैंड की तरफ आई, ब्रिटिश की तरफ आई और स्कॉटलैंड में सेटल हुई, उनके अपने अपने बोलियां थी, अपने अपने डायलेक्ट्स थे। तो उन्होंने कोशिश की कि हम इन सारे डायलेक्ट्स को मिलाकर के एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर लें जिससे हम सब आपस में कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हमारी जड़ें तो एक ही देश से जुड़ी हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने जर्मन डायलेक्ट्स को मिलाकर के एक लैंग्वेज डेवलप की तो वो ओल्ड इंग्लिश थी। ये लगभग 400-450 एडी के आसपास की बात है। उसके बाद 597 एडी में माना जाता है इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी नहीं थी, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप क्रिश्चियनिटी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि 597 के आसपास जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई, तब वहां की भाषा में लैटिन शब्द जुड़ने शुरू हुए। तो लैटिन भाषा क्रिश्चियनिटी के साथ आई थी। तो अंग्रेजी का ओरिजिन लैटिन में नहीं है, अंग्रेजी का ओरिजिन आज भी जर्मन ट्राइब
ट्राइबल लैंग्वेजेज में है, और अंग्रेजी का जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण शास्त्र है, वह आज भी सैक्सॉन पर बेस्ड है। इसके बाद जब डेनिसेस एंड नॉर्समेंस, जिनको वाइकिंग्स कहते थे उस जमाने में, उन्होंने इंग्लैंड में इन्वेड किया, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तब बहुत सारे नोज वर्ड्स और नॉर्स वर्ड्स जो थे वो इस भाषा में जुड़ते चले गए। तो देखिए कैसे अंग्रेजी भाषा भी एक भाषा के तौर पर और एक डिसिप्लिन के तौर पर समय के साथ विकसित हुई। अब जो ओल्ड इंग्लिश है उसका एक बहुत फेमस वर्क है, एक बहुत अच्छा लिटरेचर का पार्ट है, जिसको हम बियोवुल्फ कहते हैं। जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, जो लोग इंग्लिश की हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ाते हैं, मैं तो मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो केवल उतना ही जानता हूं जितना पुस्तकों में पढ़ा है। तो इंग्लिश का जो ओल्ड इंग्लिश थी वो लगभग लगभग आज से 700, 800, 900 साल पहले तक, 900 साल पहले तक चलती रही, और लगभग 1600 साल पहले इसका प्रादुर्भाव इंग्लैंड में हुआ। कहां से हुआ? जर्मन से। फिर एक दौर आया मिडिल इंग्लिश का दौर, जो मध्यकालीन अंग्रेजी भाषा थी, खासतौर पर यूरोप में 1100 एडी से 1500 एडी के बीच की जो भाषा थी। 1200 के आसपास इंग्लैंड और फ्रांस में स्प्लिट हुआ, बंटवारा हुआ, टुकड़े हुए, और अंग्रेजी में फ्रेंच वर्ड्स भी इनहेरिटेड हो गए। तो देखिए अंग्रेजी में जर्मन वर्ड्स आ गए, नॉर्स वर्ड्स आ गए, लैटिन वर्ड्स आ गए, फ्रेंच वर्ड्स आ गए। ये डिफरेंट भाषाओं के स्टेट्स के, नियर बाई कंट्रीज के वर्ड्स जुड़ते रहे, जुड़ते रहे, जुड़ते रहे, और अंग्रेजी भाषा समृद्ध होती चली गई। और यही वो काल था जब, जिसको हम कहते हैं ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ था, जब इंग्लिश में वॉवल्स का यूज होने लगा और वॉवल्स के प्रोनंसिएशन पर बात होने लगी। तो ये भी, ये मिडिल इंग्लिश का ही दौर था, लगभग इसी दौर में ऐसा हुआ। कैंटरबरी टेल्स एक बहुत महान कृति मानी जाती है इस दौर की, और एक पोइट ऑफ कोर्ट थे उनका चाउसर, उनका भी योगदान इस मिडिल इंग्लिश की ग्रोथ में माना जाता है। इसके बाद आया मॉडर्न इंग्लिश का दौर, जो आधुनिक अंग्रेजी है, जो हम आज पढ़ते बोलते हैं। यह बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 400-500 साल पहले ही मॉडर्न इंग्लिश का दौर शुरू हुआ, और मॉडर्न इंग्लिश माना जाता है 1476 के आसपास, जब पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी। विलियम कैक्सटन का नाम उसमें आता है, कि उन्होंने वेस्टमिनिस्टर प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की। इससे पहले का जो इंग्लिश लिटरेचर है वो प्रिंटेड लिटरेचर नहीं था, वो बाद में प्रिंट हुआ। तो 1476 के आसपास जब ये प्रेस लग गई, और जिसको कहते हैं कि इंग्लैंड का पुनर्जागरण काल हुआ, जो इंग्लैंड का पुनर्जागरण काल था उस दौर में अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन भाषा का प्रवेश हुआ, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो शेक्सपियर को दिया जाता है। वो जो पुनर्जागरण काल माना जाता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में पुनर्जागरण काल 1500, 1450, 1500, 1600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उससे पहले कहते हैं इंग्लैंड में डार्क एज थी, लगभग 1000-1200 साल का काल जो इंग्लैंड में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, खासतौर पर यूरोपियन वर्ल्ड में माना जाता है, वो उनका डार्क एज माना जाता है। हमारे यहाँ कभी डार्क एज नहीं रही, लेकिन उनके यहाँ डार्क एज रही। हाँ, हमारे यहाँ के जो विद्वान उनको फॉलो करते हैं वो ये कहने लगे, जब इंग्लैंड में पुनर्जागरण हुआ तभी भारत में पुनर्जागरण हुआ। तो कुछ लोग सो गए थे, वो जागे होंगे, बट भारत हमेशा से जागृत था। लेकिन इंग्लैंड में यह माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल हुआ, और उस दौर में ग्रीक और लैटिन वर्ड्स इस लैंग्वेज के अंदर ऐड हुए। उसके बाद मॉडर्न लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी ग्रोथ हुई, वो जो ब्रिटिश रूल पूरे दुनिया में कई देशों पर छाया, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, 18वीं से 20वीं शताब्दी का जो काल था, जब बहुत सारी कंट्रीज में लगभग 200 साल, 150 साल के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे देशों में अंग्रेजों का राज्य रहा, तब वहां की भाषाओं का, वहां के डायलेक्ट्स का भी प्रभाव अंग्रेजी के विस्तार पर पड़ा। इसमें हम इंडिया का नाम लेते हैं, न्यूजीलैंड का नाम लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, यूएसए का नाम लेते हैं, अफ्रीका का नाम लेते हैं। हर एक देश ने अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया।
भले ही उनमें कुछ अंतर पाए जाते हों, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि अंग्रेजी का हृदय जो है वो एंग्लो सैक्सॉन ओल्ड इंग्लिश ही है। एंग्लो और सैक्सॉन्स दो ट्राइब्स थे जो कि जर्मनी से आए थे और जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरह से इंग्लिश समय के साथ डेवलप हुई। तो देखिए, एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन जब ग्रो होता है तो उसमें केवल लिटरेचर योगदान नहीं करता, उसमें पॉलिटिक्स भी योगदान करती है, उसमें सोशियो कल्चरल स्टेटस भी योगदान करता है, उसमें एनवायरनमेंट भी योगदान करता है, उसमें कितनी समावेशी है वो या कितनी दृढ़ है इस पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी डिसिप्लिन के, किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी सब्जेक्ट के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। उदाहरण देखते हैं साइंस से। अब विज्ञान के बारे में भी लगभग वही सारी स्थितियां हैं जो साहित्य के बारे में थी। खासतौर पर यूरोपियन वर्ल्ड में विज्ञान बहुत पुराना विषय नहीं माना जाता। आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि विज्ञान तो वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है, जो मानते हैं उनको क्या कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। विज्ञान की मूलतः जड़ें दर्शन में है, फिलॉसफी में है, और प्रारंभ में फिलॉसफी खासतौर पर ग्रीक्स में फिलॉसफी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, और फिलॉसफी की एक ब्रांच थी जिसको नेचुरल फिलॉसफी कहा गया, प्रकृतिवादी दर्शन। और वह प्रकृतिवादी दर्शन, वह नेचुरल फिलॉसफी, खैर दर्शन तो उनका शब्द नहीं है, वह नेचुरल फिलॉसफी धीरे धीरे विज्ञान के तौर पर विकसित हुई। तो पाश्चात्य जगत में विज्ञान के इवोल्यूशन में बहुत लंबा इतिहास नहीं है। वेस्ट में यह माना जाता है कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ, तो 300-400 साल पुराना ये विज्ञान वहां माना जाता है। और खास तौर पर 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच विज्ञान न केवल एक विषय के रूप में विकसित हुआ बल्कि वेस्ट में इसके स्पेसिफिक एरियाज ऑफ स्टडी बने। जियोलॉजी बना, बॉटनी बना, नेचुरल साइंस बना, फिजिकल साइंस बना, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, और उसके बाद आज भी इनमें से नई नई ब्रांचेज और नए नए डिसिप्लिन्स निकलते रहे। बिकॉज विज्ञान विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो एक प्रोसेस है जो कभी स्टॉप नहीं होती। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती है, जैसे जैसे उसमें नए डायमेंशंस जुड़ते हैं, जैसे जैसे नए एरियाज ओपन होते हैं, नए नए डिसिप्लिन्स इसमें से इमर्ज होते चले जाते हैं। जरा तुलना करते हैं इसका हम अपनी भारतीय परंपरा से। मुझे लगता है कि एक अध्यापक होने के नाते हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड किस लाइन ऑफ थॉट पर सोच रहा था और हम किस लाइन ऑफ थॉट पर सोच रहे थे। इंडियन ट्रेडिशनल टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वहां विज्ञान एक विषय के तौर पर है ही नहीं, बल्कि विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। इट इज अ वे टू एक्सप्लोर नॉलेज। सो इन इंडियन ट्रेडिशनल टेक्स्ट विज्ञान इज नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट। हमारे यहां तो शास्त्र शब्द का प्रचलन था, विज्ञान शब्द का प्रचलन था भी नहीं। तो विज्ञान जो था वो बेसिकली ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग भर है। और अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर ढूंढेंगे तो वो आपको 10,000 साल से ज्यादा पुरानी मिलेगी। ऋग्वेद से प्रारंभ करिए, वहां बहुत सारे सूत्र हैं, आयाम हैं, विज्ञान के नियम हैं, धातु शास्त्र की परंपराएं हैं, और फिर यजुर्वेद पर आ जाइए जहां बहुत सारे चिकित्सा विज्ञान के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो विज्ञान की जड़ें भारत में इंग्लैंड से लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 7 से 8 हजार साल पुरानी है। विज्ञान विषय के तौर पर भले ही प्रयोग ना होता रहा हो, क्योंकि हमारे लिटरेचर में साइंस लिटरेचर जैसा कोई सेपरेट लिटरेचर नहीं है कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। या तो हमारे लिटरेचर में विज्ञान वेदों का हिस्सा है, या फिर आयुर्वेद का हिस्सा है, या फिर धातु विज्ञान का हिस्सा है, या फिर रसायन शास्त्र का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ विज्ञान पर स्पेसिफिक टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट शास्त्र लिखे गए, जो विभिन्न शास्त्र लिखे गए और जो संस्कृत साहित्य है, वहां विज्ञान प्रचुरता से उपलब्ध है जिसको हमें खोजना चाहिए। चलिए वेस्टर्न वर्ल्ड की बात पर वापस आते हैं। और जब हम डिसिप्लिन ऑफ साइंस के ग्रोथ की बात करते हैं तो इनिशियली डिसिप्लिन ऑफ साइंस दो एरियाज में बटा मोटा मोटा। वन इट्स कॉल्ड फिजिकल साइंस,
जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और अर्थ साइंसेस आते हैं, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। दूसरा एरिया बायोलॉजिकल साइंसेज है, जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है साइंस में, जिसमें बॉटनी आता है, जियोलॉजी आती है और बाद में फिर इनके फर्दर डिसिप्लिन होते हैं। अगर हम फिजिकल साइंसेस की बात करें तो फिजिकल साइंसेस में जनरली फिजिक्स, फिजिक्स में फिर फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज आई हैं, एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है और तमाम ब्रांचेज इसमें से डेवलप होती रही हैं। केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेज डेवलप हुई और अपने आप में उन्होंने अपने आप को एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह बाद में स्टैब्लिश किया। इसी तरह से अर्थ साइंसेस का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, वहां आपको जियोलॉजी मिलेगी, एस्ट्रोनॉमी मिलेगी, मिट्रोलॉजी मिलेगी, एनवायरमेंटल साइंस मिलेगी, ओशियोनोग्राफी मिलेगी और भी तमाम ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं। तो देखिए कैसे फिलोसफी से साइंस निकला, कैसे साइंस से फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस निकले, कैसे उनसे फिर फर्दर और नए नए डिसिप्लिन इमर्ज हुए। इसी तरह से अगर आप बायोलॉजी के एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर बॉटनी और जूलॉजी दो मेन ब्रांचेस थी। बॉटनी से फिर प्लांट पैथोलॉजी निकली, मॉलिकुलर जेनेटिक्स निकली, सॉइल साइंसेज आई, बायोटेक्नोलॉजी आई और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको मैंने यहाँ लिस्ट नहीं किया है। इसी तरह से जूलॉजी से माइक्रोबायोलॉजी निकली, माइकोलॉजी निकली, एनाटॉमी निकली, फिजियोलॉजी निकली, पैथोलॉजी निकली। तो कुल मिलाकर के साइंस का डिसिप्लिन आज के समय में इतना ग्रो कर गया है कि आज हमें विभिन्न प्रकार के साइंस या डिफरेंट डिसिप्लिन और स्ट्रीम्स ऑफ साइंस दिखाई देते हैं, जो स्पेशल एरियाज हैं और एरिया ऑफ स्पेशल अटेंशन जिनको हम कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स कैसे इमर्ज हुआ, यहां भी आपको साइंस की तरह वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडियन मैथमेटिक्स में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां भी और हमारे यहां भी दोनों जगह ये माना जाता है कि गणित एक प्राचीनतम डिसिप्लिन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन्स है और मोस्टली मैथमेटिक्स नंबर्स, ऑपरेशंस और थियरम्स जो है इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि आज से 1800 से 2000 साल पहले, बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले, मेसोपोटामिया की सभ्यता में और इजिप्शियन जो सभ्यता थी, मिस्र की जो सभ्यता थी, वहां मैथमेटिकल टेक्स्ट उनको अवेलेबल होते हैं, वो भी इमेजेज के फॉर्म में, गुफाओं में बने हुए चित्रों और चिन्हों के आधार पर। उसके बाद देखिए 2000 बीसी से 1800 बीसी से फिर सीधे 6th सेंचुरी बीसी तक आइए, 1400-1500 सालों के गैप के बाद अचानक से पाइथागोरन थ्योरम एपियर होती है और पाइथागोरियन थ्योरम को मैथमेटिक्स में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है वेस्ट में। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं और जो जानते हैं उसको लिखते हैं, हमारे टेक्स्ट में कम लिखा गया है, दैट बिफोर गिविंग दिस थ्योरम ही विजिटेड इंडिया एंड ही स्टडीड बोधायन सूत्र। भारतीय साहित्य में इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद 300 बीसी के आसपास यूक्लिड हुए और यूक्लिड ने एक्सियोमेटिक मेथड्स प्रपोज किए। तो मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन 6th सेंचुरी बीसी के, मतलब आज से 2500-2600 साल पहले ही इमर्ज होनी शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। अगर हम इंडियन लिटरेचर में मैथमेटिक्स के इंसिडेंट्स देखेंगे तो जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना गणित का सूत्र भारत में विद्यमान है, उन्हें सुलभ सूत्र कहा जाता है। ये सुलभ सूत्र सुलभ सूत्र नहीं है, बहुत सारे लोग इसको सुलभ सूत्र कह देते हैं, कह देते हैं जो सूत्र आसानी से उपलब्ध थे, जो नियम आसानी से उपलब्ध थे वो उनको सुलभ सूत्र कहा गया। नहीं, सुलभ कहा जाता है धागे को। तो धागे के प्रयोग से किस प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं, और प्रारंभिक सुलभ सूत्र जो हैं वो जो
यज्ञशालाओं में यज्ञ की वेदियां बनती थी, वो वेदियां कितनी ऊंची हो सकती हैं, कितनी चौड़ी हो सकती हैं, कितने मुख की हो सकती हैं, कितने तरह से बन सकती हैं, किस प्रकार के यज्ञ के लिए किस प्रकार के वेदी वेदी की आवश्यकता होती है, मूलतः उस पर आधारित था। लेकिन उन शूल्ब सूत्रों में गणित के सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्र छुपे हुए थे, और ये माना जाता है लगभग 800 से 1200 BCE, मतलब आज से लगभग 3200 साल पहले शुल्ब सूत्र आए। और शुल्ब सूत्रों के बहुत सारे सूत्र श्रेणियां हैं, लेकिन बौधायन के सूत्र, मानव के सूत्र और अपस्तंभा के सूत्र और कात्यायन के सूत्र यह ज्यादा प्रचलित माने जाते हैं। इसके बाद भारत ने संख्याओं का योगदान दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड उसको स्वीकार करता है कि संख्याएं भारत से आई, पहले वो इंडियन नंबर्स बोले जाते थे, बाद में पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको इंडो अरेबिक नंबर्स कहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो रूट वही है कि वो नंबर्स इंडिया से अरब में गए और अरब से वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, और आज वो भी वही नंबर सिस्टम यूज करते हैं जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। ज्योमेट्री भारत का योगदान है, स्क्वायर रूट्स में भारत का योगदान है, और एक हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पर काफी किताबें लिखी हैं, उन्होंने सेडनबर्ग, उन्होंने एक ओल्ड जगह लिखा है कि पाइथागोरियन थ्योरम जो बेबीलोन के लोगों को मिली वो भारत से मिली, और बेबीलोन से वो कहते हैं पाइथागोरस को मिली, और पाइथागोरस ने पूरी दुनिया को दी। और बोधायन सूत्र अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पाइथागोरस की थ्योरम का तो बोधायन सूत्र शब्द सह मिल जाएगा कि जो पाइथागोरस की थ्योरम में कहा गया है वो एक एक सूत्र शुल्ब सूत्र में है। और अगर आप इन दोनों के समय में अंतर देखें तो 600 BC और 1200 BC में लगभग लगभग 600 साल का अंतर है। तो पाइथागोरस के आने से 600 साल पहले भारत में गणित के सूत्र विकसित हो चुके थे। तो गणित एक बहुत ओल्ड डिसिप्लिन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और इंडियन लिटरेचर में भी। आइए आपको सोशल साइंसेस की हिस्ट्री देखते हैं। सोशल साइंसेस की हिस्ट्री देखने के लिए मुझे लगता है कि हमें हिस्ट्री से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री कैसे इमर्ज हुआ? डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में दो चीजें कही जाती हैं, पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। माना जाता है जहां से रिटन हिस्ट्री अवेलेबल है वो हिस्टोरिकल पीरियड है, और उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्ट्री तो चूंकि भूतकाल की बात करती है, तो ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जिन भी घटनाओं का संकलन है वे तो जब यूनिवर्स बना होगा, जब ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हुआ होगा, तब से ही इतिहास का प्रारंभ हो गया। कैसे प्लेनेट बने, कैसे मानव का विकास हुआ, आप देखिए यहां पर आपको इंटरडिसिप्लिनरिटी भी नजर आएगी। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दर्शन भी ढूंढता है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बाद में विज्ञान ने ढूंढना भी प्रारंभ किया है। तो हिस्ट्री और विज्ञान दोनों की रूट्स उस दर्शन में नजर आती है। कहा जाता है कि घटनाएं तो तब से घटनी शुरू हो गई होंगी जब पहली बार होमोसेपियंस इस धरा पर आया होगा, और जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ होगा। जो लिखने की कला है वो भारत में भी और विश्व के अन्य देशों में भी बहुत बाद में आई। भारतीय इतिहास के बारे में तो कहा जाता है कि हम श्रुत परंपरा पर जिए हैं, तो श्रुत परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ज्ञान को सुनकर प्राप्त करती थी और उसको अनुभव करती थी और फिर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देती थी। फिर रिटन हिस्ट्री का टाइम आया, जिसको हम पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम मूलतः तीन चार भागों में बांट लेते हैं। एक तो एंशियंट हिस्ट्री है जो लगभग 3200 BC से 500 AD तक मानते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो मानता है कि हमारा इतिहास ही कुल मिलाकर 3200 BC से पहले का नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में, भारतीय साहित्य में यह 10,000 साल तो अब स्थापित हो गया है विभिन्न कार्बन डेटिंग और खुदाई के माध्यम से, बल्कि हम लोग तो उससे भी पहले का मानते हैं कि हमारा इतिहास उससे भी पूर्व का है। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में मिडिल एज माना जाता है जो लगभग लगभग 500 शताब्दी से लेकर के, और सन 19 मतलब 15वीं शताब्दी का जो काल है, 5वीं शताब्दी से वो मिडिल एज मान लेते हैं, और 15वीं शताब्दी के बाद के काल को अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री अब कहने लगे हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री कहते थे, और 19वीं शताब्दी और उसके बाद के काल को अब हम मॉडर्न हिस्ट्री कहने लगे।
तो अब इतिहास देखिए इस तरह से विकसित हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से बाकी सोशल साइंसेस भी डेवलप हुए, जैसे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शुरुआत में इतिहास का हिस्सा थी, लेकिन जब मनुष्य के सामाजिक जीवन की साइंटिफिक स्टडीज स्टार्ट हुई और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह कैसे व्यवहार करता है, समाज का अंग होने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, जब इनकी साइंटिफिक स्टडीज प्रारंभ हुई, तब सोशियोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुआ। हम लोग सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं लोगों की और उनके विभिन्न सामाजिक लक्षणों की, किस तरह से समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं, परिवार के संबंध, समाज के संबंध, जातियों के संबंध, वर्गों के संबंध, कैसे समूह में और समूह के अंदर अंतःक्रिया होती है, कैसे विभिन्न प्रकार के फिजिकल लोकेशंस या स्पेसेस पर टाइम फ्रेम के साथ समाज की संरचना में परिवर्तन आए हैं। भारतीय समाज का उदाहरण लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वैदिक काल में भारतीय समाज किस प्रकार का रहा, फिर ब्राह्मणिक काल में किस प्रकार का रहा, फिर वो आधुनिक इतिहासकारों के हिसाब से बौद्ध काल में भारतीय समाज कैसा रहा, मुगल काल में भारतीय समाज कैसा रहा, और अंग्रेजों के समय में भारतीय समाज की क्या दशा थी, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज किस स्वरूप में रहा। तो हम जब भारतीय समाज के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में स्टडी करते हैं, वो भी इसमें आता है। किस तरह के इंस्टीट्यूशंस विकसित हुए, धर्म का क्या स्थान था, धर्म स्थलों का क्या स्थान था, चर्च की क्या भूमिका थी, मस्जिदों, मदरसों, मकतबों की क्या भूमिका थी, मंदिरों की, मठों की क्या भूमिका थी, आश्रमों की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से राजा, राज्य और इन सब इंस्टीट्यूशंस के बीच रिलेशनशिप थे, सब सोशियोलॉजी के एरिया में आते हैं। तो सोसाइटल लेवल एंटिटीज और उससे दुनिया किस तरह से बनी, ये सारी चीजें हम इसमें अध्ययन करते हैं। और आधुनिक काल में बेसिकली ये एक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुआ है, और आज हम मॉडर्न सोसाइटीज की स्टडी भी इसी डिसिप्लिन के अंदर करते हैं। फिर हिस्ट्री से एक और डिसिप्लिन निकला। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी इनिशियली वर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट लेटर ऑन दे डेवलप्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। आज सोशियोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग डिसिप्लिन है। पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन भले बाद में इमर्ज हुआ हो, पर पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटी बहुत पहले से थी। एंशियंट ग्रीक थिंकर्स, चाहे प्लेटो, अरस्तु ले लीजिए, भारत में आप चाणक्य को ले लीजिए, ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स थे। इन सब ने अपने ग्रंथों में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आइडियाज की बात की। कुछ क्रिश्चियन थिंकर्स आए जिसमें सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस का नाम काफी प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने आइडियल स्टेट की संकल्पना दी, क्योंकि उनके यहाँ स्टेट था, वो राज्य की संकल्पना से आए थे। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी राष्ट्र की संकल्पना नहीं है, राष्ट्र की संकल्पना भारत में है। भारतीय परंपरा में राष्ट्र को एक जीवित पुरुष माना गया है जिसमें जीवात्मा है जो लोगों को जोड़े रखती है। तो भारत एक राष्ट्र है, राज्य नहीं है। जो लोग इसको नहीं समझते और वेस्टर्न आइडियाज से अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, वो आज भी भारत में नेशन स्टेट थ्योरी को प्रपोज करते हैं, लेकिन नेशन स्टेट थ्योरी वेस्टर्न मॉडल है, इंडियन मॉडल नहीं है। 15वीं शताब्दी के आसपास एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर हुए निकोलो मैकियावेली, उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ साथ हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट को भी स्टडी करना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास इतिहास से पॉलिटिकल साइंस अलग होनी शुरू हुई। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत फेमस ऑथर हुए फ्रांसिस लेवर वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एज ए डिसिप्लिन आगे बढ़ाया। एक जर्नल 1886 में माना जाता है कि छपा पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, और ये मानते हैं कि इसने पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स को अपने व्यूज एड्रेस करने के लिए एक वर्ल्ड वाइज प्लेटफॉर्म दिया, और जिसके बाद पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन बहुत तेजी से इमर्ज हुआ। उसके बाद 1901 में अमेरिका में एक पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन बनी। 1920 के आसपास तक आते आते पॉलिटिकल साइंस ने अपने नए मेथड्स शोध के और अपनी अध्ययन विधियां विकसित कर ली थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से एक बार पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को एक साथ रखकर पॉलिटिकल साइंस में मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। इसी तरह से अगर हम ज्योग्राफी का उदाहरण देखें तो
ज्योग्राफी भी शब्द बहुत पुराना है, आज से लगभग लगभग 2200 से 2300 साल पहले ज्योग्राफी शब्द प्रयोग हो गया था, और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं खासतौर पर ग्रीक लिटरेचर के, चाहे वो मिलेटस हैं, हेरोडोटस हैं, एर्थोसेंस हैं, एरिस्टोटल हैं, स्ट्राबो हैं, प्टोलमी हैं, इन सब ने ज्योग्राफी के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन ज्योग्राफी को वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ग्रोथ मिला वो रोमन एक्सप्लोरेशन से मिला, क्योंकि जो रोम था, रोम के लोगों ने बहुत दुनिया घूमी, उन्होंने मैपिंग की, तो जो एक्सप्लोरेशन और मैपिंग में कंट्रीब्यूशन रोमन कल्चर का रहा, उसने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। मार्को पोलो का नाम ज्योग्राफी में बहुत सम्मान से लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी दुनिया के देशों को खोज की, तो खोज की का मतलब ये नहीं कि वो देश बनाए, देश एग्जिस्ट करते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड उनके बारे में नहीं जानता था, उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को वो चीजें इंट्रोड्यूस की। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास टेक्स्ट बुक्स आ गई, मैप्स आ गए और थियोरीज डेवलप होने लगी, और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक आते आते ज्योग्राफी ने अपने आप को एज ए डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज करा लिया, और वो कई जगह इनिशियली या तो सोशल साइंसेस का हिस्सा था या साइंस का हिस्सा था, लेकिन जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ज्योग्राफी जितनी सोशल साइंस के करीब है उतनी ही साइंस के करीब भी है, इसीलिए ज्योग्राफी ने फिर अपने आप को एज ए डिसिप्लिन डिस्टिंक्टली स्टैब्लिश कर लिया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के कुछ काम हैं, कार्ल रिटर के कुछ काम हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होते होते बहुत सारे नए एलिमेंट्स जुड़ गए थे ज्योग्राफी में, चाहे वो एरियल फोटोग्राफी हो, रिमोट सेंसिंग हो, सैटेलाइट फोटोग्राफी हो, और आज भी ज्योग्राफी में कंप्यूटर साइंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है कि आज भी एक ग्रोइंग डिसिप्लिन है। इसके बाद ज्योग्राफी ने अपने क्वांटिटेटिव मेथड्स रिसर्च करने के एक्सप्लोर किए, और आज ज्योग्राफी एक यूनिक डिसिप्लिन के तौर पर यूनिवर्सिटीज में स्टडी की जाती है, कई जगह आज भी ये साइंस और सोशल साइंस का हिस्सा है। ये सारे उदाहरण, चाहे तो अंग्रेजी के विकास की बात हो, चाहे सोशल साइंसेस के डिफरेंट डिसिप्लिन के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे साइंस के डेवलपमेंट की बात हो, या मैंने आपको गणित का उदाहरण दिया, हर एक डिसिप्लिन एक दिन में विकसित नहीं होता, हर एक डिसिप्लिन एक सीरीज में विकसित होता है, लंबा समय, इट टेक्स इयर्स, 100 ऑफ द इयर्स टू डेवलप समथिंग एज ए डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन को हम कब डिसिप्लिन कहते हैं, उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, जब वे सारे अभिलक्षणात्मक गुण एक विषय में विकसित हो जाते हैं तो वह विषय एक डिसिप्लिन के तौर पर विकसित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई विषय डिसिप्लिन के तौर पर विकसित हो गया तो उसका अन्य डिसिप्लिन के साथ या अपने डिसिप्लिन में, अपने सब्जेक्ट में अन्य डोमेन्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। आज का समय इंटर रिलेशनशिप का है, आज का समय ट्रांस डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का है, और अगर आप लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा है कि अब हमें सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को ब्रेक करके इंटर डिसिप्लिनरिटी की तरफ, मल्टी डिसिप्लिनरिटी की तरफ चलना होगा। तो अब हम उस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डिसिप्लिन के बीच के इंटर रिलेशनशिप को भी समझना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या संबंध है, क्या हिस्ट्री में ज्योग्राफी कोई भूमिका निभाती है? बिल्कुल निभाती है। युद्ध कहां लड़ा जाएगा, कौन से पठार पर लड़ा जाएगा, कौन से रास्ते से जाया जाएगा, ये ज्योग्राफी बताती है। इतिहास में युद्धों का विश्लेषण पढ़िए, वहां ज्योग्राफी की बड़ी भूमिका है, मौसम की बड़ी भूमिका है। क्या इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई रिलेशन है, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स से कोई रिलेशन है तो वो क्या है, कैसे है? मैं एक ही उदाहरण देता हूं, एक और डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, और मैं एक ही उदाहरण देता हूं, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र शाब्दिक तौर पर इकोनॉमिक्स की या अर्थशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन जिन लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है वो बताते हैं कि वह पुस्तक उस समय के इतिहास और उस समय राज्य कैसे कार्य करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से डेवलप हुआ है,
तो राज्य की व्यवस्था क्या होगी, राजा के गुण क्या होंगे, कर कैसे आएंगे, किसको राजा होना चाहिए, किसको मंत्री होना चाहिए, सारी चीजों का विस्तार से चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णन है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है। तो इस तरह से सोशल साइंस में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है जहां हम इंटरडिसिप्लिनरी आइडेंटिफाई ना करें। आपको क्या करना है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट को उन डायरेक्शंस में लेकर जाइए कि इसमें ये चीज हिस्ट्री से आई है, ये चीज ज्योग्राफी से आई है, ये एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस से आया है, जिससे कि जब बच्चे उसके रिलेशनशिप को समझेंगे तो वह विषयों में अंतर करने की बजाय विषयों में सहसंबंध खोजेंगे। इसी तरह से कई बार हम साइंस की बात करते हैं, फिर साइंस के साथ लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज के साथ मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। ये तो चार बिल्कुल डिस्टिंक्ट कैटेगरी हैं डिसिप्लिन्स की, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बट इनमें भी रिलेशनशिप है। विज्ञान और गणित, भौतिक विज्ञान और गणित तो बहुत क्लोज है, साइंस और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी क्लोज है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी क्लोज है, सोशल साइंस और साइंस भी क्लोज है। सोशल साइंस के बहुत सारे मेथड्स ऑफ स्टडी साइंटिफिक मेथड से जनरेट होते हैं, और लैंग्वेज के बिना तो हम किसी भी सब्जेक्ट की कल्पना कर ही नहीं सकते, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो। हर विषय की अपनी भाषा होती है, हर भाषा का अपना विज्ञान होता है, हर भाषा की अपनी गणित होती है। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है। मुझे नहीं पता कि अपने गणित में भाषा ढूंढी या भाषा में गणित ढूंढी, लेकिन हर भाषा में कितने अक्षर होंगे, कितनी पाइयां होंगी, कितनी मात्राएं होंगी, कितने वॉवल्स और कंसोनेंट्स होंगे, कितने स्वर और व्यंजन होंगे, हर भाषा में है। व्याकरण नियम है और नियम गणित और विज्ञान से बनते हैं। तो गणित, विज्ञान, भाषाएं सब आपस में जुड़े हुए हैं, हमें अपने विद्यार्थियों को समझाने की जरूरत है। और जहां तक भाषा की बात है, आपका तो एक पूरा पाठ्यक्रम ही है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो इससे पहले वाला कोर्स है BES 1-4, जहां हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज फॉर लैंग्वेजेज, लैंग्वेज फॉर ज्योग्राफी, लैंग्वेज फॉर साइंस, लैंग्वेज फॉर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज फॉर इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज फॉर आर्ट्स। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, हर एक की अपनी विशिष्ट भाषा होती है। साहित्य की भाषा, विज्ञान की भाषा, गणित की भाषा, इतिहास की भाषा, भूगोल की भाषा, सबकी अपनी भाषा होती है, और भाषा सबकी होती है। बिना भाषा के किसी भी विषय का शिक्षण संभव नहीं है।